हेलो एवरीवन, ऑल तो मेरा ये फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है एंड आई एम फीलिंग लिटिल बिट नर्वस, बट चलो कोई ना। सबसे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ पारुल एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय पीएचडी इन आईआईटी बेंगलोर। जो लास्ट ईयर नवंबर 2020 में जो CSIR नेट हुआ था, उसके रिजल्ट के बाद सम ऑफ यू हैव सीन मी ऑन जे केमिस्ट्री चैनल इन हाइड्रोजन बैच, बिकॉज आई गॉट JRF विद ऑल इंडिया रैंक 9। एंड उसके बाद लाइक मैंने बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किए बहुत से स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, जिनमें बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे लाइक मैंने कैसे पढ़ाई की, मैंने कितना सिलेबस कवर किया, मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों किए थे, या अगर येस देन मैं उनको कैसे मैनेज करती थी, या फिर मैंने कितनी टेस्ट सीरीज दी, और लाइक जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी तो मैं फिर से कैसे मतलब पढ़ाई शुरू करती थी दोबारा से। लाइक जब भी कोई टेस्ट में कम मार्क्स आते थे तो मैं फिर से दोबारा सेम पेज से कैसे पढ़ाई शुरू करती थी। तो ऐसे ऑब्वियसली सब स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं एंड मेरे भी थे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। एंड आई रिमेम्बर कि अनलकीली उस टाइम क्या था कि हमारे पास कोई ऐसा नहीं था कि जिससे हमें छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर पाए। एंड मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, तो हम क्या करते थे, कोचिंग जाते थे, नोट्स बनाते, क्लास लगाते थे, नोट्स बनाते थे, आ जाते थे। कभी ये हिम्मत नहीं होती थी कि ऑर्गेनिक वाले सर से जाके पूछ ले कि सर ऑर्गेनिक क्लास में सारी समझ में आती है बट असाइनमेंट के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, तो हम ये चैप्टर्स छोड़ दें तो काम चल जाएगा क्या। या फिर हम क्वांटम वाले सर से जाके पूछ ले कि सर हम मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो हमसे क्वांटम नहीं हो पा रही तो हम छोड़ दें क्या, पेपर क्लियर हो जाएगा क्या हमारा बिना क्वांटम के। तो हम इतनी हिम्मत तो नहीं होती थी, नो डाउट हम में। तो हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों ने अपने से ही समझदार बन के और कुछ कुछ लाइक क्वांटम छोड़ दी थी, कुछ कुछ चैप्टर्स हमने छोड़ दिए थे। और उसका रिजल्ट ये था कि हमारा LS भी क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के क्या डाउट्स होते हैं, बिकॉज पर्सनली मैंने वो सब फेस किया है एंड उसका फेलियर भी मैंने फेस किया है, रिजल्ट भी मैंने फेस किया है। सो ये चैनल बेसिकली शुरू करने के पीछे मेरा यही मोटिव है कि मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि मेरे फेलियर के पीछे क्या रीजंस थे और उसके बाद मैंने क्या स्ट्रैटेजी या क्या प्लानिंग की पेपर को लेके जिससे मेरी रैंक आई। एंड नो डाउट मैंने कभी रैंक लाने के लिए या फिर टॉपर बनने के लिए कभी मैंने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, एंड जिस पेपर में मैंने स्ट्रैटेजी बनाई उसमें अभी तक मेरी रैंक आई भी नहीं है। सो यहाँ बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको मेरी एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ आइडियाज शेयर कर पाऊँ जिससे आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो सके। एंड आई नो इस टाइम पे MSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी नेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं एंड वो 2 साल इसी टेंशन से निकालते हैं कि हमारा हो जाएगा ना, या फिर अगर नहीं हुआ तो फिर हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। सो इवन आई रिमेम्बर कि मुझे एक मैसेज आया था एक स्टूडेंट का, ही सेड कि मैं BSc फाइनल ईयर में हूँ एंड मैंने कोर्स बाय किया है नेट के लिए, तो मैं तीनों को कंप्लीट तीनों का सिलेबस कवर करूँ क्या, इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक को, या फिर किसी एक को मैं लाइटली ले लूँ तो काम चल जाएगा क्या, मतलब 2 साल में मेरा हो जाएगा कैसा। सो आई फेल्ट कि मतलब आई वॉज शोक कि 2 साल इतनी बर्डन के साथ कि होगा नहीं होगा, मैं सारा कवर करूँ या नहीं, तो आई वॉज लाइक शोक। तो आई फेल्ट कि इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस ज़रूरी है। ओके सो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोज़ में एंड उन सब वीडियोज़ की जो सीक्वेंस होगी वो आप सबके ऊपर होगी। लाइक जो भी आप लोगों के कॉमन डाउट्स होंगे, कॉमन क्वेश्चंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वीडियो आएगी। ओके एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ एंड आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। सो दिस इज माई इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड होपफुली आपको कमिंग लाइक वीडियोस पसंद आए एंड जिससे आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर हो सके एंड आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके एंड विच इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड स्टार्टिंग दिस चैनल। सो या थैंक यू।